ए नहीं भी जेड़ा बड़ी पगड़ी पाग इने पास के भई हुन मौलवी है, ए नहीं के जनाब हुन जे बड़ी दाढ़ी राखी दी है मौलवी है। आजकल यो समय मौलवी भी वदन बेशक बेशक बड़ियां बड़ियां पगा। पीर नसीरुद्दीन फरमाने यो समय मौलवियां दा ना ओ आदन जनाब उत्तू पगा ते अंदर अग्गा। यो समय मौलवियां दा काम नहीं दीन बयान करना, दीन बयान करे तो ओ करे जे को अमीर अल मुजाहिदीन आ दे आकन पैसे फलाना एक मौलवी है ही उंगल लबैक आला एक बंदा मजलिस से चाय बिठाए उनको काट छोड़े। मैं कह जनाब भी आओ कर क्या सकता है, भी आओ कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है लबैक आला है काट छोड़ा ना बेहतर है, वगर ना मेरे हथे नहीं चढ़ना है। जरा लबैक या रसूलल्लाह दा नारा ला गिने ना एक बारी वालो कहंदे हथे नहीं आंदा ते उ मौलवी को भी पता है बाबा को काट छोड़ा यो मगर ले बने दा ठीक है। जे अगर महफिल दे विच बैठा रिया ता साडे चितना दम नहीं। मैं कह सुन मौलवी ओ नहीं के जेड़ा बंदे काट काट दे आके मैं इंदे को करेसा इंदे को तकरीर करेसा उंदे को निमी करेंदा। मैं कह दम में है जेड़ा ही आए बैठे एक बारी साडे गुबावे उंदे दिल विच इश्क मुस्तफा दी शमा ना जला दीती दवा दे। खवातीन भी दीन दी तबलीग करनी है को इतराज कीते आके सी वाल आओ सही ए केड़ा नवा सा दमका काट दिते। मैं कह चलो शुक्र है साडे जेड़े घर आले न कम से कम दीन दी तबलीग तक करन न। इयो समय मौलवी मामा भाणा रख दे ही वास्ते न बस मंदे कढण वास्ते के जनाब कह को मां दा बंदा काट दिता कह को बहन दा बंदा काट दिता ते खुश होन। मैं कह तोरे आलियां हुसन मंदे कढण कीते साडे आलियां दीन दी कुर्बानी देवण वास्ते। मेरा जमानदरू पीरा नाल वास्ता है मैं मौलवियां पीरा को डाडा अच्छी तरह जानना। मैं कह जनाब ए जेड़े छुवर को काट दीते ने ना उना को पता है। मैं कह जे दम आई ता बिला दे कायल करवा ना, दम आई ता छुवर को बिला दे आखो आके जनाब मेरे सामने बहे मैं ते को कायल करे सा। मैं कह ओई कोई आले में जेड़ा आके मैं पसंद दे बंदियां दे को तकरीर करे सा, ओई कोई आले में जेड़ा आके फलाना फलाना मेरे अगू बावे जेड़ा मेरे को वाह वाह करे सी उंदे को तकरीर करे सा। कोई नवा विच आया ता मैं उंदे मैं कह जनाब एवल रिजवी ते शेर दी दलील है के जनाब रिजवी शेरां को महफिल च काट दे ही तुसे सुकून नाल तकरीर कर सकदे वे उन्हां दी मौजूदगी तो को तकरीर आवणी कोई नहीं होंदी। आखतियां ऐसी वाले देखो ना सी तारे खिलाफ गाली। मैं के पता ना करो कहंदे हक जी बुलांदे ओ मैं को आखियो ते तुसा ने सो आलम तुसा ही वे पीर तुसा ही वे पुछते मेरे कन पए वे। मैं के यार मैं वल गौर कर दे से ना वे कह को मनेंदे के नहीं मनेंदा सेना भी कहंदे दा हक बोलाओ सी सुचेंदे 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 आखिर मैं को समझ जाए भाई हां एक बंदे दे हक च बोले ते वल मैं को याद है ऊ एक बंदे दा ना यजीद है। एक बंदे दे आके बोले पूरी उम्र च जेड़े आस्ताने दा नाम छेड़ो च जनाब उंदे खिलाफ बोलेंदे, जेड़े आलम दा नाम गिनो च उंदे खिलाफ बोलेंदे। ओ बंदा पुछे पिया है सी कहंदे हक च ही बोलेंदे। मैं कह आ एक बंदा है जेंदे हक च बोलेंदे। मैं कह उंदा नाम यजीद है। मैं कह जनाब इतना इल्म पढ़दे भी जे अगर बोलना यजीद दे हक च है यजीद ते भी लानत उंदे तरफदारां उते भी लानत। मैं कह तेरे इंतखाब को भी लानत है। मैं कह जनाब जे अगर तू अपना इंतखाब कर की दई ता असा ही अपना इंतखाब कर की जे सीध ता इंतखाब की दई ता अमीर अल मुजाहिदीन ने सा को हुसैन दा रास्ता इंतखाब कर दे। ऐसा कोई पिटा होया मौलवी है इन्हें उस्ताद हैं मुफ्ती मौलाना इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुदर्रिस आलम दीन तकरीर आला आलम बई चीज होंदे ते मुदर्रिस आलम बई चीज होंदे बहुत बड़े अलामा बहुत बड़े नेक शख्सियत हैं। वो एक जाड़े सारे आस्थाने दे आए मुलाकात वास्ते आए मैं मिले चंद बे अफराद भी हैं उन्हें नाल जले मुलाकात की थी मैं गाली चल दिया पियान ते मैं ही मैं उन्हें उंगले नवा नवा छिड़ा बधाई। मैं उंगले मौलाना इरशाद अहमद साहब को पूछा मैं किसी हैं सही मैं होले होले पूछा मैं कि हैं सही कि मैं सुने तुहाडा शागिर्द है। मैं जले उन्हें गन पूछा ना इसी तुहाडा शागिर्द है आपने फरमाया तौबा अस्तगफार आपने फरमाया कुदा पढ़ा दे मियां सा तंग थी गए इल्म पढ़ाया से को दीन दी खिदमत करे सी हुन जेंदा उस्ताद तौबा तौबा करे जेंदा उस्ताद उ को शागिर्द आखण कनो डरे। मैं के इयो जे पिटे होए को असा भी क्या आखूं जेंदा उस्ताद उ को शागिर्द मनन को तैयार ना होवे। मैं के जनाब ए जिना कोल पढ़ता रहे जब उए ही को कबूल नहीं करेंदे ता जिना दी कलमे पड़ी वदे ओ किवें कबूल इमें नहीं होंदा जनाब यजीद दे हक च बोली रखो ते हुजूर कबूल कर गिन सन। यजीद दे हक च बोली रखो ते हुजूर पसंद फरमा गिन सन। यजीद दे बारे जनाब खोल दे हिमायत करेंदे रहो ते हुजूर कबूल फरमा गिन सन। मैं कह ना ए गाल नहीं अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की अब सदियां भी हुसैन की जमाना भी हुसैन का। यजीद की नस्लो फौज का
हर शख्स शर्मिंदा है कि हमने तो काट दिया था हुसैन फिर भी जिंदा है। Bye.